हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बिहार फायरमैन रिजल्ट पे बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और वीडियो पे कमेंट करना आप भूल जाओगे। जिस भाई ने भी बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम दिया है, रिटर्न एग्ज़ाम, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। और जो आप वीडियो पर कमेंट करते हैं कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा, आज की वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे वीडियो पर कमेंट करना। मेरी वीडियो पर नहीं, किसी के भी वीडियो पर आप कमेंट करना भूल जाओगे। ये पूछोगे नहीं कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट भी लग सकता है, एक छोटा सा झटका लग सकता है, क्योंकि इस पर मैं हमेशा फैक्ट बात बताता हूँ। बिना ऑफिशियल अपडेट के कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अब सीधे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। आपने बहुत सही वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे भरे हुए हैं कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। आपने भी देखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं और यूट्यूबर वही वीडियो अपलोड करते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है ना। ये सब बातें बताने की नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब की वीडियोज़ में कुछ सच्चाई भी होता है और कुछ फालतू की बातें, झूठ भी होती है। सच्चाई तो आपको पहले से ही पता होता है और कुछ लगा के भी बताया जाता है। अगर लगा के नहीं बताएंगे तो फिर ऑडियंस कैसे उनकी वीडियो को देखेंगे, चैनल कैसे ग्रो होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चैनल ग्रो हो, ठीक है ना। अब क्या बताऊँ, आप समझ जाओ, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ। ज़्यादा बेइज्जती अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, जो आप सर्च करते हैं यूट्यूबर को पता चल जाता है, वही वीडियो वो बनाते हैं ताकि चैनल ग्रो हो, ठीक। अब ज़्यादा हो गया, थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कभी भी CSVC नहीं बताती है कि इस दिन मैं रिटर्न एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा या दूंगा, है ना, या फिर फिजिकल का रिजल्ट जारी करूँगा या कट ऑफ आपका जारी करूँगा। ये बात CSVC कभी नहीं बताती है। ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, ना ही कोई नोटिस जारी होता है। जो भी होता है, मनगढ़ंत थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दिन आ सकता है, वही डेट आपको बताया जाता है। नेक्स्ट मंथ है ना, फर्स्ट वीक, आप समझ जाओ। मैंने खुद वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, जैसे कि दरोगा का फिजिकल जैसे ही कंडक्ट करा लेती है, एक हफ्ते बाद बिहार फायरमैन का रिजल्ट दे देगा और फिर इसका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। जब एक हफ्ता पार हो गया तो फिर एक वीडियो बनता है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाए। देखिए, रिजल्ट आना होगा, आ जाएगा। आप फिजिकल पर मेहनत कीजिए, है ना, ताकि एक चांस मिले पार, ठीक है ना। तो फालतू का टेंशन ना ले, अपने जो मोटो है उस पर फॉलो करें। इसी तरह की फैक्ट जानकारी जानने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फिजिकल की तैयारी करें।